हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेजिन का यूज़ कैसे करना है फिर से एक बार। इसके पहले मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूं, तो मैंने फिर से एक ये पेंटिंग बनाई थी, इसका ट्यूटोरियल मैंने डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, माय बटन में डाल दूंगा। ओके, तो आज हम इस पेंटिंग के ऊपर रेजिन का लेयर करेंगे। और ये मैं बता देता हूँ कि पेंटिंग कैनवास बोर्ड पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं पीछे, और ये एक्रेलिक पेंट से बना हुआ है। इस पर मैंने कोई वार्निश या कुछ स्प्रे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपने वार्निश या आपने कर रखा है पहले से, तो उसके ऊपर भी आप रेजिन अप्लाई कर सकते हो, उससे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, एट द एंड ये सेफ ही हो जाता है। रेजिन डालने से पहले मैं क्या प्रिपरेशन करने वाला हूँ, मैं सब कुछ आपको एक बार फिर से करके दिखाऊंगा। अगर आपने पुरानी वीडियो में नहीं देखा है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलेगा, इस वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या प्रिपरेशन करना है और रेजिन अप्लाई करना है। और सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे आया था कि इसके मिक्सिंग के रेशियो के ऊपर, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं लिखा हुआ है 3:1, यानी कि ये वाला हमको 3 बार लेना है और ये वाला 1 बार लेना है हार्डनर, यानी कि मैं जो इस कप में लेने वाला हूँ 3 बार ये रेजिन लूँगा और 1 बार ये हार्डनर लूँगा। तो ये इसका रेशियो है। अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग रेशियो रहता है, किसी में 2:1 रहता है, किसी में 3:1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3:1 है, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करते हैं और अब पूरा वीडियो ध्यान से देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं हर एक चीज़ बीच में बताता जाऊँगा। बहुत बार ऐसा होता है, लास्ट वीडियो में भी यही हुआ था कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी और आप फिर भी वो चीज़ें पूछ रहे थे बिकॉज आपने वीडियो पूरा नहीं देखा था। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा। और बहुत ईजी प्रोसेस है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये मैंने अमेजोन से परचेस किया, इसका मैं लिंक डाल दूंगा, ये मुझे 600 का पड़ा था। एंड चलेगा, इस वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे टेप लगा दिया है। ठीक है, ये साइड से भी लगा दिया है और ये पीछे से भी उसको सील कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि मैंने टेप क्यों लगाया है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैंने YouTube पे बहुत देखा है ट्यूटोरियल्स जहाँ पे वो लोग ऐसा कोई टेप वगैरह नहीं लगाते हैं, वो लोग सीधा रेजिन को पोर करते हैं और स्प्रेड करते हैं, जो एक्सेस होता है वो सीधा नीचे गिर जाता है। मैंने भी ट्राई किया था, मेरा काफ़ी सारा रेजिन इस वजह से वेस्ट हुआ था। और फिर तो मुझे लगा कि मुझे लिमिटेड रेजिन लेना चाहिए और मैं इसको साइड से ऐसे कवर कर दूँ सेलो टेप की हेल्प से, सो दैट कि मैं इसको बाद में निकाल सकता हूँ और यहाँ पे रेजिन एक्सेस बाहर भी नहीं जाएगा और जो भी रहेगा वो इसी में ही रहेगा। तो इस वजह से मैंने कुछ इस तरीके से अपना जुगाड़ लगा के, अपना दिमाग लगा के ऐसा मैंने बना दिया, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो आप डायरेक्ट बिना टेप लगाए हुए भी डायरेक्ट आप पोर कर सकते हो, दोनों वैलिड है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेजिन को कैसे कैसे रेशियो में लेके पोर करना है, और जो भी होगा आपके सामने होगा। लास्ट टाइम मैं अच्छे से मेजर नहीं किया था, तो मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। इसको हम साइड में रख देते हैं, हम इसमें डालेंगे जो भी हम क्वांटिटी में लेंगे इसमें डालेंगे, इसी में मिक्स करेंगे। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको जब भी आप जिस भी रूम पे इसको पोर करेंगे और ड्राई करने के लिए छोड़ेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको वो रूम एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, और हो सके तो वो रूम बंद रहेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़रा सा भी डस्ट आया और आपके पेंटिंग के ऊपर गिरा, रेजिन के ऊपर गिरा, तो फिर वो उसमें चिपक जाएगा और फिर वो हमेशा के लिए उसमें रह जाएगा, और आप नहीं चाहेंगे कि कोई सा भी डस्ट आपके रेजिन में आके गिरे। एंड प्लीज़ आप ग्लव्स वगैरह पहन लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। तो हम ले लेते हैं, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, क्योंकि हमारा कैनवस छोटा है तो मैं थोड़ा कम ही लूँगा, ये इतना काफ़ी है, क्योंकि हमको ये वाला रेजिन 3 लेना है और हार्डनर 1 रहेगा, तो मैं ये 3 बार डालूँगा और हार्डनर को 1 बार सेम क्वांटिटी में। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्टिकी है ये। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब बारी हार्डनर की, मैं इसको वॉश नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इसमें हार्डनर डालूंगा। अगर आप चाहें तो वॉश कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 ऐसे कप हैं मेजर करने के तो आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। हार्डनर बहुत ही ज़्यादा लिक्विड जैसा होता है, पानी जैसा होता है, तो ये स्टिकी बिल्कुल नहीं होता इसके जैसा। ये इतना काफ़ी है, क्योंकि हमको 1 बार लेना है तो मैं इतना ले रहा हूँ, और
ये हम यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं। अब बारी है इसको मिक्स करने की, तो मैं ये पेंट ब्रश के हेल्प से इसको मिक्स करूँगा और आपको कंटिन्यू बस इसको धीरे धीरे घुमाते जाना है सर्कुलर मोशन में। ये देखिए कितना अजीब सा हो गया, ये ब्लर सा, अभी ये थोड़ी देर में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब ये कैसे मिक्स होता जा रहा है इस पे। ये पहले से रेजिन थोड़ा और क्लियर दिख रहा है, थोड़ी देर में और देखना ये बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। इन केस अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी लग रहा है, हार्ड सा लग रहा है मिक्स करने पे भी, तो अगर आपको लग रहा है कि हार्डनर कम है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। और आप देख पा रहे होंगे कि अब तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है, सिर्फ इसमें हल्के फुल्के बबल्स ही दिख रहे हैं, बाकी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये पोर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं इसको थोड़ा सा टैप करूँगा और उसके हेल्प से ये जो बबल्स हैं वो निकल जाएंगे। डेफिनेटली सारे बबल्स तो नहीं निकलेंगे, लेकिन कुछ एक आध भी निकल गए तो बहुत हेल्प हो जाएगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से मिक्स हो गया है और इसमें बबल्स भी आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, आई होप ये क्लियर विजिबल होगा। तो आपको भी इस तरीके से मिक्स करना है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको टैप करके दिखाता हूँ कि टैप कैसे करना है। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से। अगर बहुत ज़्यादा बबल्स है तो आप ऐसे टैप कीजिए, बबल्स ऊपर आ जाएंगे और वो निकल जाएंगे बाहर। अगर बहुत ज़्यादा है तो एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स आप इसको ऐसे टैप करते जाइए और घुमा घुमा के, ठीक है। बबल्स इसमें चले गए हैं, कुछ एक आध बबल्स में रहेंगे, वो नहीं जाएंगे। अब रेजिन पोर करने की बारी है, तो मैं सबसे पहले बेस में कुछ रख देता हूँ, उसके ऊपर मैं अपना कैनवास बोर्ड रखूँगा। अब बारी है रेजिन पोर करने की, तो मैं इसे डायरेक्टली, ये काफ़ी ज़्यादा है वैसे इस कैनवास के हिसाब से, बट मुझे थोड़ा सा मोटा लेयर चाहिए, तो आप सब तरफ इसको अच्छे से फैला दीजिए और फिर आप इसको ब्रश के हेल्प से या फिर जहाँ जो हमने मिक्स किया हुआ है इसके हेल्प से भी हम इसको ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ ये भी कह देना चाहता हूँ कि जिस भी सरफेस पे आप रखोगे वो प्लेन होना चाहिए, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा रहा तो ये सारा रेजिन एक तरफ खसक के आ जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। मैं ब्रश का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यूज़ करूँगा तो फिर वो ब्रश दोबारा यूज़ करने लायक नहीं बचेगा, उसको मुझे फेंकना होगा। इस वजह से मैं ये इसके पीछे हैंडल से कर रहा हूँ स्प्रेड। आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप ये चारों तरफ देख सकते हैं अच्छे से स्प्रेड हो गया है, कुछ एक आध बबल्स दिख रहे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है एक्सेस में जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। अब ये शाइन हो रहा है तो आप देख पा रहे होंगे, तो आप इस तरीके से इसको स्प्रेड करके एक जगह पे रख दीजिए। आप चाहें तो फ़ैन ऑन कर सकते हैं और रूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और इसको ड्राई करने के लिए हम छोड़ देते हैं और 12 घंटे के बाद हम देखेंगे कि पेंटिंग कैसी दिखती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बबल्स के भी कोई यहाँ पे निशान नहीं है और ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है और रेजिन लगने के बाद बहुत सुंदर दिख रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैंने वाइट कलर लगाया था वो बहुत कम लगाया था, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वाइट कलर इस पर कर रहे हैं पेंटिंग के ऊपर तो उसको थोड़ा सा डार्क और मोटा थिक करें, सो दैट कि वो ऐसा फेड ना हो जाए, क्योंकि इसमें ये सारे कलर तो बहुत मोटे लेयर पे हुए थे बट वाइट अच्छे से नहीं हो पाया था, बहुत पतला लेयर जो मैंने लास्ट में ही ऐड किया था हल्का सा। अदरवाइज़ बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा है और आई होप आपको ये पेंटिंग और रेजिन वाला टेक्निक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये पेंटिंग सेल के लिए है, अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं कमेंट करके इसका प्राइस पूछ सकते हैं। मैं अपना जीमेल आईडी भी दे दूंगा, आप उसमें भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।